पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सैनी फिल्म्स द्वारा अन्न का एक एक दाने का मानव जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर युवा रंगकर्मी ओम प्रकाश ओम के निर्देशन में बनी लघु फिल्म भूख का प्रीमियर शो किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय अनुपम ने सरस्वती माँ के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भूख एक सामाजिक लघु फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि ऐसे एक परिवार भूख से लड़ रहा है, दाने दाने का मोहताज है, वहीं दूसरी ओर समाज के धनी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति के एक एक कार्यक्रम में जब कहानी का नायक लोगों की झूठन को इकट्ठा करके अपनी बेटी को खाने को देता है तो समाज के उन्हीं लोगों की जो प्लेट भर कर खाना तो ले लेते हैं लेकिन उसे थोड़ा सा ही खाकर उस खाने से भरी प्लेट को कूड़े में फेंक कर व्यर्थ कर देते हैं, ये बात गवारा नहीं गुजरती और वो उस बेचारी बच्ची पर खाने की चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तब लघु वहां पहुंचकर उसको कारता है कि वो लोग जो खाने का दुरुपयोग करते हैं और वही खाना अगर किसी भूखे के मुंह का निवाला बन जाए तो उन्हें बुरा क्यों लगता है, देश में कितनी गरीबी है, अगर सभी लोग केवल उतना ही भोजन ले जितना वह कर सके तो न जाने देश के कितने भूखे गरीब लोगों को भोजन मिल सकता है। फिल्म के अंत में इन लाइनों के साथ उतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में फिल्म समाप्त होती है। लघु फिल्म के प्रदर्शन के उपरांत फिल्म के निर्देशक ओम प्रकाश ओम सहित फिल्म के सभी कलाकार पूजा शर्मा, नंदना, यश सैनी, प्रमोद कुमार, सुधीर, सीमा शर्मा, संभन अरोड़ा को भी उनके सफल अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया। प्रिंस नितिन को फिल्म के सफल संपादक, सत्येंद्र चौधरी को छायाकांत एवं रविकांत को फिल्म में गायन हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म निर्माता रवि सैनी ने कहा, हमारा उद्देश्य फिल्म के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को जनता के समक्ष लाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। इस अवसर पर सरिता लाल, डॉक्टर रंजना मेहलोत्रा, डॉक्टर आर एन वाजपेयी, डॉक्टर राकेश जायसवाल, प्रीति सैनी, अजीत सैनी, यतिन त्रिवेदी, पूनम सैनी, जतिन सैनी, ओमवीर सैनी, नवनीत सैनी, रंजनी आदि उपस्थित रहे। ये भूख फिल्म है, भूख गरीब जैसे पार्टी में लोग प्लेट में ज़्यादा खाना ले लेते हैं और उसको फेंक देते हैं, अगर वही खाना बचत करें तो वो किसी गरीब की भूख मिटाई जा सकती है, इसलिए हमें देश हित में खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोग गरीबी चिल्लाते हैं लेकिन गरीबी का असली कारण नहीं जान पाते, बड़े लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, ये करो वो करो, लेकिन प्लेट में अपने वो ज़्यादा खाना लेंगे और उसको फेंक देते हैं, उस खाने को फेंकने में अपनी शान समझते हैं, जबकि उस खाने को अगर बचाकर किसी गरीब का पेट भरा जाए तो गरीबी मिट जाएगी, जब गरीबी मिटेगी तो देश तरक्की करेगा। कौन सा प्रोडक्शन तले फिल्म बनाई है? ये सैनिक मेहनत तले फिल्म बनाई है। इससे पहले भी कोई आपने? इससे पहले एक वास्तविक प्रेम कथा हिंदी फीचर फिल्म जो इंपीरियल सिनेमा और काफी सिनेमाघरों पर रिलीज हो चुकी है। यहाँ के इसमें कलाकार कौन कौन है? यहाँ के मुरादाबाद से ओम प्रकाश ओम है और बाकी स्थानीय कलाकार हैं। देना चाहते हैं कि कोई भी अपनी प्लेट में ज़्यादा खाना ना ले, किसी शादी पार्टी में जाए तो लिमिटेड खाना ले, जितनी उसे भूख है उतना ही प्लेट में खाना ले और बाकी बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर खाना बर्बाद होगा तो देश बर्बाद होगा, देश के हित में नहीं होगा। कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी आपकी? ये शॉर्ट फिल्म है, यूट्यूब के माध्यम से रिलीज की जाएगी, बाकी प्रोजेक्टर द्वारा ये शादी पार्टियों वगैरह में दिखाई जाएगी, जिससे कम से कम वो लोग इस फिल्म को देखकर खाना बर्बाद ना करें। अगर कोई भी एक पार्टी में भी लोग खाना बर्बाद नहीं करते तो हमारी फिल्म बनाने का उद्देश्य सफल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र चौहान, एक कलाकार हूं। महाभारत धारावाहिक में युधिष्ठिर की भूमिका में आपने मुझे देखा होगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। खाना मानव जीवन के लिए आवश्यक होता है, लेकिन उतना ही खाना जितने खाने की आपके शरीर को आवश्यकता हो। आप अपनी थाली में ज़्यादा खाना लेकर वेस्ट ना करें, क्योंकि बचा हुआ खाना किसी गरीब बच्चे की भूख मिटा सकता था। इस देश में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं, हजारों लाखों परिवार ऐसे हैं जो रात को बिना खाने के भूखे सोते हैं। इसलिए खाना लेते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आपकी थाली में उतना ही खाना हो जितने खाने की आपको आवश्यकता हो। खाना बचाओ, देश का यौवन बचाओ। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। जीवन में खाना, मेरा मतलब है
भोजन अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसको बर्बाद करना, इसका दुरुपयोग करना अत्यंत अनावश्यक है। हमारे देश में भुखमरी है, बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है, गरीब हैं लोग, तो ये बचा हुआ खाना उनके काम आ सकता है। इसलिए आपको जितनी भूख है उतना ही खाना थाली में परोसिए, खाइए, आनंद उठाइए। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाना परोसते हैं और उसे बिगाड़ देते हैं, मेरा मतलब है बर्बाद कर देते हैं, वो देश हित में नहीं है। इसलिए उतना ही खाना खाइए, उतना ही भोजन खाइए जितना आपकी आवश्यकता है, और ये देशभक्ति है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप राष्ट्र हित में सोचें, देशभक्त बने। ऑल द बेस्ट।